हेलो चिल्ड्रन, क्लास थर्ड, हिंदी फर्स्ट। हमने प्रीवियस वीडियो में जो अपना पार्ट तीन है, उसका पार्ट तीन हमने, हमारी एक कहानी है बड़ा कौन, वह हमने आधी ही पढ़ी थी। आज हम उसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। आइए हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। अगले दिन राज दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था। लोग महाराज के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब वो महाराज ने सिद्धार्थ और देवदत्त से वो हंस ले लिया था, तो उसके बाद वे उसको कहाँ लेके गए थे, राज दरबार में। तो राज दरबार क्या था, पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था। सभी लोग वहां बैठे थे, वो किसका, महाराज ने जो फैसला ले, निर्णय का अर्थ होता है फैसला, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि महाराज अब किसके पक्ष में अपना फैसला देंगे। महाराज ने आदेश दिया, हंस को बीच दरबार में छोड़ दिया जाए। वह जिसके पास ही जाएगा, हंस उसी का होगा। हंस को राज दरबार में छोड़ दिया गया। हंस कुछ डरा हुआ सा लग रहा था। महाराज ने क्या निर्देश दिया कि आप हंस को बीच दरबार में छोड़ दो, यानी जहाँ सब लोग बैठे हैं वहां हंस को आप बीच में यहाँ छोड़ दीजिए, और वह जिसके पास जाएगा हंस उसी का होगा। तो हंस को राज दरबार में छोड़ दिया, लेकिन हंस क्या था, वो डरा हुआ था क्योंकि वह घायल था, उसके चोट लगी हुई थी। जैसे ही उसने सिद्धार्थ को देखा, वह उसकी ओर दौड़ा। भले ही वह घायल था, फिर भी उसकी चाल में तेजी थी। वह जल्द ही सिद्धार्थ के पास पहुंच जाना चाहता था। उसने जैसे ही सिद्धार्थ को देखा, वह उसकी तरफ दौड़ा। भले ही वह घायल था, यानी उसको चोट लग रखी थी, फिर भी उसकी चाल इतनी तेजी थी और वह जल्द से सिद्धार्थ के पास पहुंचना चाहता था। जैसे ही वह सिद्धार्थ के पास पहुंचा, सिद्धार्थ ने झुककर बड़े प्यार से उसको उठा लिया। हंस सिद्धार्थ से ऐसे चिपक गया जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से चिपकता है। जैसे ही वह हंस सिद्धार्थ के पास पहुंचा, तो सिद्धार्थ ने क्या किया, झुककर उसे बड़े ही प्यार से अपने हाथों में उठा लिया और हंस सिद्धार्थ के चिपक गया, जैसे कि आप किसी को हग करते हो। वो क्या ये कह रहा है, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से चिपकता है। जैसे कभी आप कहीं बाहर जाते हो और आपकी मम्मा आपको अचानक से मिल जाते हैं, बहुत टाइम से आप अपनी मम्मा से मिलते हो, तो आप क्या करते हो, उन्हें जोर से हग कर लेते हो, यानी उनके चिपक जाते हो। उसी प्रकार का सिद्धार्थ, वह हंस भी सिद्धार्थ के चिपक गया। महाराज ने कहा, हंस ने सिद्धार्थ के पास जाकर यह सिद्ध कर दिया कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। तो महाराज ने क्या फैसला लिया, हंस ने सिद्धार्थ के पास जाकर यह सिद्ध कर दिया, यानी यह साबित कर दिया है कि जो बचाने वाला होता है वह मारने वाले से हमेशा बड़ा होता है। दरबार में उपस्थित सब लोग राजकुमार सिद्धार्थ की जय जयकार करने लगे। यही सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध ने समस्त संसार को अहिंसा, शांति और प्रेम का पाठ पढ़ाया। दरबार में उपस्थित जो सभी लोग थे, वो राजकुमार सिद्धार्थ की जय जयकार करने लग गए थे। और ये जो सिद्धार्थ थे, वही बड़े होकर किसके नाम से प्रसिद्ध हुए, महात्मा बुद्ध के नाम से। और महात्मा बुद्ध ने जो समस्त संसार है अपना, उनमें किसका पाठ पढ़ाया, सभी को अहिंसा का, शांति का और प्रेम पूर्वक रहने का पाठ पढ़ाया। आज हमने ये जो चैप्टर पार्ट तीन है अपना बड़ा कौन, इसको हमने पूरा पढ़ लिया है। आज पार्ट हमारा यही समाप्त होता है। और इस पार्ट का क्या अर्थ है, जो मारने वाला होता है वो हमेशा किससे छोटा होता है, बचाने वाले से, यानी बचाने वाला मारने वाले से हमेशा बड़ा होता है। आइए अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ आपको प्रश्न नहीं रखे हैं, इसके उत्तर आपको लिखने हैं। क, प्रातःकाल का समय कैसा होता है, ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि सुबह सुबह का जो समय होता है वो कैसा होता है। उत्तर, प्रातःकाल के समय सूरज धरती पर अपनी किरणें चारों ओर फैलाता है, ताजी और ठंडी हवा चलती है, पक्षी चहचहां करते हैं। इसका अर्थ है, सुबह सुबह होता है उसमें कौन निकलता है ऊपर आसमान से, सूरज। वो सूरज होता है जो अपनी धरती पर चारों ओर अपनी किरणें फैलाता है, यानी रोशनी फैलाता है, और ताजी और ठंडी हवा चलती है, जो पक्षी होते हैं वो चहचहां करते हैं। खैर, सिद्धार्थ ने हंस की जान कैसे बचाई, ये प्रश्न कह रहा है कि सिद्धार्थ ने हंस की जान कैसे बचाई, उसको कैसे बचाया। उत्तर, सिद्धार्थ ने हंस के शरीर में चुभा तीर धीरे से खींचकर निकाला और उसके घाव को धोकर उस पर मरहम लगाया तथा पट्टी बांधी।
ये क्या कह रहा है सिद्धार्थ, कैसे बचा? सिद्धार्थ ने उस हंस के शरीर में पहले तो क्या किया, तेल लगा हुआ था उसे धीरे से खींच के निकाला और उसके घाव को अच्छे से धोकर मरहम लगाया और उसके ऊपर पट्टी बांध दी। देवदत्त ने सिद्धार्थ की शिकायत किससे की? उत्तर, देवदत्त ने महाराज से सिद्धार्थ की शिकायत की। जब क्या हुआ, देवदत्त और सिद्धार्थ आपस में लड़ रहे थे, उस समय कौन आए थे? महाराज। देवदत्त ने महाराज से सिद्धार्थ की शिकायत की। गर महाराज ने फैसला कैसे लिया? महाराज ने कैसे बताया कि ये जो हंस है वो किसका होगा? उत्तर, महाराज द्वारा हंस को दरबार में छोड़ा गया तो हंस ने तेजी से जाकर सिद्धार्थ से चिपक गया, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से चिपकता है। इस प्रकार महाराज ने फैसला लिया कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। अर्थात महाराज ने कैसे सिद्ध किया? महाराज द्वारा जब हंस को क्या किया, बड़े दरबार में बीच में छोड़ दिया तो तेजी से जाकर किससे चिपक गया? सिद्धार्थ से। जिस प्रकार कोई बच्चा अपनी माँ से चिपकता है, इस प्रकार महाराज ने फैसला लिया कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। प्रश्न दो, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। ये आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसके उत्तर सही है उस पर आपको टिक करना है। क, सिद्धार्थ हंस को डैश लगे। सिद्धार्थ को हंस को क्या करने लगे थे, घुमाने, सहलाने या नहलाने? आपकी बुक में क्या रखा है, सिद्धार्थ हंस को सहलाने लगे, तो आप इस पे टिक कर दीजिएगा। ख, सिद्धार्थ डैश बोले। सिद्धार्थ किस प्रकार बोले, प्रेम पूर्वक, दया पूर्वक या क्रोध पूर्वक? तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा प्रेम पूर्वक। सिद्धार्थ प्रेम पूर्वक बोले, तो इस पे आपको टिक लगाना है। ग, लोग डैश के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। लोग किसके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे, सिद्धार्थ, महाराज, देवदत्त, तो इसका सही आंसर क्या होगा, महाराज। तो आप लिखोगे लोग महाराज के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। ग, हंस को डैश में छोड़ दिया गया। हंस को कहाँ छोड़ दिया गया था, किले, राज दरबार, मंदिर, तो हंस को कहाँ छोड़ दिया गया था, राज दरबार। तो आप यहाँ लिखोगे हंस को राज दरबार में छोड़ दिया गया। ण, डैश सिद्धार्थ से चिपक गया। कौन चिपक गया सिद्धार्थ से, हंस, मैना, कोआ, तो इस कहानी में कौन था, हंस। हंस सिद्धार्थ से चिपक गया। प्रश्न नंबर तीन, सही उत्तर से रिक्त स्थान भरो। ये आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, इनकी सहायता से आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं। क, राजकुमार सिद्धार्थ डैश के बाहर बगिया में टहल रहे थे। राजकुमार किसकी बगिया में टहल रहे थे बाहर, तो यहाँ होगा राजमहल। राजकुमार सिद्धार्थ राजमहल के बाहर बगिया में टहल रहे थे। ख, हंस डैश था। हंस क्या था, हंस लहू लुहान था, यानी हंस खून से लथपथ था। ग, डैश भागता भागता बगिया में पहुंचा। भगते भगते कौन आया था बगिया में, देवदत्त, भागता भागता बगिया में पहुंचा। ग, लोग महाराज के डैश की प्रतीक्षा कर रहे थे। लोग महाराज की किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो यहाँ होगा निर्णय। लोग महाराज के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। ण, महात्मा बुद्ध ने पूरी दुनिया को डैश कोमा डैश और डैश का पाठ पढ़ाया। महात्मा बुद्ध ने पूरी दुनिया को किसका पाठ पढ़ाया, महात्मा बुद्ध ने पूरी दुनिया को अहिंसा, शांति और प्रेम का पाठ पढ़ाया। प्रश्न चार, सही मिलान करो। ये आपको कुछ दे रखे हैं शब्द, आपको इनसे सही मिलान करने हैं। सूर्य देव का क्या अर्थ होता है, सूरज देवता। प्रेम पूर्वक इसका अर्थ होता है प्यार से। निर्दोष, निर्दोष का कौन होता है, दोष रहित। निर्दयी इसका अर्थ होता है दया रहित। क्रोध, क्रोध का क्या अर्थ होता है, गुस्सा। आज मैंने आपको प्रश्न एक, प्रश्न दो, प्रश्न तीन और प्रश्न चार
करवाए हैं आपको, प्रश्न एक, प्रश्न दो और प्रश्न तीन, ये तो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, और जो प्रश्न चार है ये आपको अपनी बुक में नोट डाउन करना है। यही आपका आज का वर्क है।